हरिपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष मनोज घटानी एवं उनकी टीम द्वारा सेंट्रल डुआर्स के रंगामाटी क्षेत्र में एक प्राचीन शिव मंदिर का मरम्मत के लिए छत का टीम एवं पाइप उपलब्ध कराएं। इस मौके पर जयगांव एक अंचल तृणमूल सभापति सुभाष लामा, समाज सेवी नवीन दर्जी, लक्ष्मण लामा, मंदिर पुजारी एवं अन्य उपस्थित थे। मनोज जी, आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पे, क्या प्लानिंग है, क्या जानकारी दीजिए। विशेष सर्वप्रथम मैं आपके चैनल जयगांव मिरर हमारे टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपके गाँव में जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे जो है ये हमारे प्राचीन से भी प्राचीन ये शिवालय मंदिर जो कि सेंट्रल द्वार रंगामाटी स्थित है, ये अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट आज के ब्लॉक पड़ता है और ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी श्रद्धा यहाँ के गाँव वासियों में। तो इस मंदिर के बारे में मुझे किस तरह से जानकारी मिली वह इस प्रकार है कि हमारे ये जो पूजनीय मामा श्रीमान लक्ष्मण लामा जी हैं, इन्होंने हमारे जो नवीन भाई और हमारे भाई समित भाई को उन्होंने जानकारी दिया था कि इस मंदिर जो हमारे रंगामाटी में स्थित है, तो इस मंदिर का जो ये जो छत है ये क्या है कि ओलावृष्टि के कारण डैमेज हो गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मंदिर में जब पूजा याचना होती है उसमें क्या कि वृष्टि आने से काफ़ी मंदिर पानी से लबालब हो जाता है। तो ये जानकारी जब मिला तो मैंने हमारे जो ग्राम के हमारे मार्गदर्शन हमारे मामा श्रीमान सुभाष मामा जी हैं, तो मैंने उनसे इस विषय से लेकर वार्तालाप किया। मैंने बोला मामा इस प्रकार है तो इसको हम लोग अभी स्टैंड भी है, हम लोग मिल के इस मंदिर की छत लगवा दें। मामा ने बोला जरूर, बहुत ही सराहनीय काम है, हम लोग इस मंदिर की छत जरूर लगाएँ। तो करते करते आज वो दिन आ गया और जैसा कि आप जानते हैं कि कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि परम बहुत बड़ा त्यौहार हमारे पूरे हमारे विश्व में इसको मनाया जाता है। और दूसरा बात इस तरह की एक तरह से कहा भी जाता है कि किस्मत में है कंकर तो पार लगाएगा संकट। और हिंदू सनातन धर्म के तहत 33 करोड़ देवी देवताओं में एक भजन भी गाया गया है, वह इस तरह से है कि विदाता के लेखटार शंकर त्रिपुरारी जी ऐसे हैं दातार मेरे भोले भंडारी जी। तो आज भोले भंडारी भगवान शिव शंकर से प्रार्थना है कि गांव में शांति समृद्धि, देश में सुख शांति समृद्धि सभी का निधान करें। और इसी मंगल कामना के साथ आज ये जो हम लोग जो सेवा तो आज शिवालय मंदिर के लिए हम लोग लेके आए टीना और जो पाइप उसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। और ये संपूर्ण हमारी जो टीम है वो टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली हमारे सुभाष मामा जी प्लस मैं और हमारे हिंदी सेल के श्रीमान प्रकाश चंद सोनी जी को कि उन्होंने आगे बढ़ के ये जो अपना जो अन्न धन और उसके बाद में जो समय समर्पित किया उसके लिए मैं अलीपुर डिस्ट्रिक्ट हिंदी सेल की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज यो मन्दिरमा यो जुन रानामाथि आइपुग्छ, यो मन्दिर सदियौँदेखिको हामी जन्मेको पनि थिएन, योभन्दा बहुत पुरानो मन्दिर हो र हाम्रो गाउँकै मान्छेहरूले सबै मिलेर सदियौँदेखि यो मन्दिरमा पूजा गरेर आइरहेको छ। पहिला हाम्रो जो पुजारी थियो उहाँको स्वर्गवास भयो र उहाँको स्वर्गवासको पछाडि उहाँको छोराले आज यो मन्दिरमा पूजा गरिरहनु भएको छ र यो मन्दिर यस्तो जग्गा छ जहाँ चाहिँ अहिले लकडाउनले यो कोरोनाको सिचुएसनले अहिले त्यो इन्भाइरोमेन्टहरू राम्रो छैन र कुनै जग्गामा पनि इन्कम सोर्सहरू धेरै समस्या भइरहेको छ। त्यस्तो सिचुएसनमा यो मन्दिरको छतहरू भत्ताढुङ्गा भएको देखेर हाम्रो अलिपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट हिन्दी सेलको
जो भाइस प्रेसिडेन्ट छ हाम्रो मनोज भानी उहाँले आज यति कष्ट गरेर यो मन्दिरलाई मन्दिरको सेवाको निम्ति आज टिना पाइपहरू उहाँले दान गर्नुभयो र यसको लागि हामी राणामाटी जति हामी कति गाउँको मान्छेहरूबाट धेरै धेरै उहाँलाई हामी शुभकामना दिन्छौँ र धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। राजी भानिसको यस्तो कामहरू उहाँले सधैँभरि हर जग्गा गर्ने उहाँले आशीर्वाद पाओस्, भगवान्बाट पनि उहाँले वरदान पाओस् र यो मन्दिरमा अहिले जो पुजारी छ, जो पुजारीले पूजा गर्छ र उहाँ पनि यही गाउँको पुजारी हो र उहाँले पनि आफ्नो गाउँको मन्दिरलाई कसरी सेवा गर्नुपर्ने र त्यो विचार धारा राखेर उहाँले आफ्नो ड्युटी आफ्नो पालन उहाँलाई मन्दिरमा आफ्नो ड्युटी पालन गरिरहनु भएको छ र मन्दिरलाई सेवा गरिरहनु भएको छ र त्यस कारणले गर्दा अहिले गाउँकै मान्छेहरूले विशेष यो मन्दिरमा जति जब शिवरात्रि पूजा हुन्छ त्यतिखेर गाउँको मान्छेहरू एक भएर जुन शिवरात्रि पूजा यहाँ गर्छ गाउँको मान्छेले त्यसलाई बाहिरको मान्छे आएर हेर्नुभयो भने एकखेप आएर हेर्नुभयो भने बाहिरको मान्छेहरूलाई पनि एउटा आश्चर्य लाग्छ अनि गाउँको मान्छेले यो यति पुरानो मन्दिरलाई अहिलेसम्म सेवा गरिरहेको छ र उहाँले सेवा कन्टिन्यू गरिरहेको छ गरिबसेको छ सबै गाउँ मिलेर र गाउँको मान्छेहरूलाई पनि सबैले आन्तरिक हृदयबाट यो मन्दिरलाई पूजा गर्छ र मन्दिरलाई मान्छ यही देखेर आज हामी यो मन्दिरको निम्ति हामी गाउँको मान्छेलाई पनि हामी यति गाउँको मान्छेको जुन चाहिँ श्रद्धा छ मनको जुन चाहिँ पूजाको निम्ति भगवान्को निम्ति जो उनीहरूलाई भित्रबाट जुन यिनीहरूले माया गर्छ भगवान्लाई र मन्दिरको याद गर्छ यो देखेर हामी पनि धेरै खुसी छौँ र आज हामी जयगाउँबाट आयो हाम्रो मनोज भानीसँग र मन्दिरलाई के सेवा गर्नु उहाँले गरिदिनु भयो र त्यसकै निम्ति हामी आएको छौँ र यो मन्दिर अझै पनि गाउँको मान्छे जबसम्म गाउँको मान्छेले आफ्नो मनबाट उ गर्छ यो मन्दिर त्यति नै खुसी राम्रो बस्छ राम्ररी नै मन्दिर चलाउँछ भनेर हामीलाई आशा राख्छु। धन्यवाद। सुभाष लामाज्यू, आज जसरी तपाईँहरूले यो मन्दिरको निम्ति किन काम गर्नुभयो त्यसरी नै अरू व्यक्तिहरूले पनि बढाओस् भनेर तपाईँ के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? म त चाहन्छु कि यो मन्दिर अझै योभन्दा पनि अझै यसको डेभलपमेन्ट अझै बढेर जाओस् र अहिलेको जुन चाहिँ यो मैले भनिहालेँ कोरोनाको सिचुएसन कोरोनाको अवस्थाले गर्दाखेरि यहाँको इन्भाइरोमेन्ट बिग्रेको छ। इन्भाइरोमेन्ट यहाँको मात्रै होइन सबै जग्गाको इन्भाइरोमेन्ट बिग्रेको छ र मान्छेको इन्कम सोर्सले इन्कम सोर्समा यो मन्दिर जग्गा डेभलप हुनु नहुनु इन्कम सोर्समाथि डिपेन्ड हुन्छ। यो त यसमा त पाइयो यसमा चाहियो फाइनेन्सियल र फाइनेन्सियलमाथि डिपेन्ड हुन्छ र यस्तो खालको जो संस्था हुन्छ जो संस्थाले चाहिँ मन्दिरहरू र गाउँ समाजलाई जसले याद गर्छ म यही चाहन्छु अझै पनि आओस् र यो गाउँको जुन मन्दिर छ यो मन्दिरलाई अझै योभन्दा राम्रो गरेर डेभलप गरिदियोस् भन्ने हामी आशा राख्छौँ। यति नै म समाप्त गर्छु। धन्यवाद। घटानी इसी विषयमा आप क्या कहना चाहते हो कि अगर आपने ये मन्दिर परिसरमा काम किया पुण्य का काम कर रहे आप तो दूसरों को भी प्रोत्साहन करने के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहन जी, ये जो मंदिर में जो आज हम लोग जो भी सामग्री मंदिर मरम्मत के लिए लाए ये पहले तो मैंने ध्यान नहीं किया, ये सभी का टीम वर्क हमारे अनुपुरा जिला हिंदी सेल का लगाए था, हमारे पूजनीय मामा श्रीमान सुभाष लामा जी का, प्रकाश सोनी जी का, सभी का। और मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ पहले तो हमारे माननीय हमारे मामा जी बचपन मामा जी को, उन्होंने आगे बढ़ के इस मंदिर की जो नीडफुल ज़रूरत है वो हमें बताई और हम लोग से देखिए हम लोग एक कुछ आदमी हम लोग से जो बन पड़ा हम लोग लेके, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी सर संस्थाएँ हैं जितने भी समाज सेवक हैं जो एक से एक पढ़कर आपके सभी सर संस्थाएँ वो इस मंदिर में अपनी मदद के हाथ और अपने हेल्पिंग हैंड्स लेके आएँ और इस मदद इस मंदिर के निर्माण के लिए सहायता करें। इतना ही मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी को। गुरुजी, एक दुईवटा प्रश्न हजुरलाई पनि है। हजुरको मन्दिर परिसरमा यसरी टिन दान गरिदिनु भयो, वर्षौँदेखि यो छेदा परिरहेछ है, टिन पनि बर्खाको टाइममा पूजापाठ गर्नु पनि तपाईँहरूलाई असुविधा नै हुन्छ है, यस्तो सहयोगको हात लिएर अगाडि आउनु भयो के भन्नुहुन्छ? यो धेरै धेरै ठुलो कुरो हो, ठुलो भागको कुरो हो। बल्ल बल्ल हामीले गाउँले पनि अलिकति सहयोग गरेर मद्दत गरेर गरेको छ। उहाँहरूले हाम्रो सुभाष भाइ मनोज भाइ उहाँहरूले पनि यसरी ल्याएर दिनुभयो टिन होइन,
दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि पनि हाम्रो सबै यस्तै सहयोग सहमत भएर फेरि राम्रो गरी हामीले गर्न सक्छौँ। काम सञ्चालक होस् होइन, सबै कुरो हो, हेर विचार पनि होस्, राम्रो गरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भन्दै मलाई नै। लक्ष्मणजी तपाईँले पनि है उहाँहरूलाई जानकारी दिनुभयो भन्ने हामी सुन्यौँ है। मलाई त होइन, तपाईँको क्षेत्रमा जे उहाँहरूले सहयोग पुऱ्याउनु भयो त्यस विषय लिएर के भन्नु? त्यसो भए धन्यवाद छ, म पनि खुसी छु। फूदर्श, एक सक्रिय दिन के लिए ताजा स्वाद, सभी प्रकार के CTC चाय और ग्रीन टी, सभी प्रकार के ग्रेड ऑर्गेनिक और प्रीमियम चाय की विस्तृत श्रृंखला के साथ जयगांव में निकटतम दुकानों पर उपलब्ध है। फूदर्श डुआर्स और सिक्किम में भी उपलब्ध है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए संपर्क करें 9547004803 या ईमेल करें horasproducts@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.foodarsh.com। New Kalimpong Stores deals in Buddhist religious items and general order suppliers. Wholesale and retailer, Main Road, Mangalabari, Jaigaon, District Alipurduar, West Bengal. Contact +91 7557891233, +91 6206656078, +97577848281.